नाउ आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं बेटा अपना लेक्चर नंबर हेलो नाउ वी स्टार्ट लेक्चर नंबर 19 BEE में बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। और अभी तक अपने बेटा सुपरपोजिशन थ्योरम पर उसके ऊपर न्यूमेरिकल भी सारे कर लिए। अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं बेटा अपना आज का टॉपिक थेवेनिन्स थ्योरम। थेवेनिन्स थ्योरम थेवेनिन थ्योरम ये बेटा थ्योरम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से न्यूमेरिकल आने के चांसेस मान के चलना आपके पास 95% रहते हैं। अगर थ्योरम से आपके फर्स्ट ईयर में यदि कोई थ्योरम से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, फर्स्ट ईयर ही क्यों आगे की क्लासेस में भी, तो थेवेनिन थ्योरम से चांसेस अच्छे रहते हैं। अब ये थ्योरम है क्या, तो बात करें सबसे पहले अपन स्टेटमेंट्स को, क्योंकि स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट होता है। उस स्टेटमेंट की व्याप पर फिर मैं आपको पूरी थ्योरम को एक्सप्लेन कर दूंगा। पूरी थ्योरम अपन प्रॉपर वे में स्टेटमेंट स्टडी कर लेंगे। तो देखो इसका स्टेटमेंट क्या बोलता है थेवेनिन थ्योरम का। स्टेटमेंट ध्यान से सुनना है स्टेटमेंट, फिर इसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर इसके स्टेप्स बता दूंगा। स्टेटमेंट बोलता है एनी लीनियर एनी लीनियर टू टर्मिनल नेटवर्क एनी लीनियर टू टर्मिनल नेटवर्क कैन बी रिप्लेस्ड एनी टू टर्मिनल लीनियर नेटवर्क कैन बी रिप्लेस कर सकते हैं, रिड्यूस भी कर सकते हैं, कैन बी रिड्यूस्ड टू ए कैन बी रिड्यूस टू ए सिंप्लीफाइड टू सर्किट टर्मिनल सर्किट कैन बी रिड्यूस टू ए सिंप्लीफाइड कैन बी रिड्यूस टू ए सिंप्लीफाइड टू टर्मिनल सर्किट। कैन बी रिड्यूस टू ए सिंप्लीफाइड टू टर्मिनल सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ ए कंसिस्टिंग ऑफ ए सिंगल वोल्टेज सोर्स कंसिस्टिंग ऑफ ए सिंगल वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विथ ए सिंगल रजिस्टर इन सीरीज विद ए सिंगल रजिस्टर। ये हो गया इसका स्टेटमेंट कंप्लीट। क्या बोलना चाहता है स्टेटमेंट कि आपका कोई भी एक लीनियर सर्किट है, लार्ज नंबर ऑफ पैरामीटर्स है, कंसिस्ट नंबर ऑफ पैरामीटर वो कंसिस्ट करता है, वो रिप्लेस हो जाता है, रिड्यूस कर सकते हैं उसको सिंगल वोल्टेज या सिंगल रजिस्टर्स में। वो जो रजिस्टर है वो ऑलवेज कनेक्ट इन द सीरीज इज ऑलवेज कनेक्ट इन द सीरीज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इससे क्या है आपका जो लार्ज सर्किट है बाय दिस ए लार्ज नेटवर्क इज रिप्लेस बाय ए सिंगल या स्मॉल सर्किट। तो ये अगर हम बोले इसका स्टेटमेंट को थोड़ा सिंप्लीफाई फॉर्म में समझने के लिए, तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ भैया अपने पास एक बहुत बड़ा सर्किट नेटवर्क है। अज्यूम दिस इज ए इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, एक लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है, इलेक्ट्रिकल का सर्किट है। आपको क्या करना है इस इलेक्ट्रिकल सर्किट को रिप्लेस करना है। इस इलेक्ट्रिकल सर्किट में जिस रेजिस्टेंस या जिस पैरामीटर से आपको वोल्टेज या करंट फाइंड करना है वो क्या होगा आपका लोड, वो क्या होगा आपका लोड। तो यहाँ पे आपका कनेक्ट है एक लोड, इट्स माय लोड, जिससे आपको वोल्टेज करंट पावर जो भी आपको कैलकुलेट करना है, इट्स माय लोड। टर्मिनल ए और बी से मान लीजिए कनेक्ट है लोड। तो ये सुपरपोजिशन सॉरी थेवेनिन थ्योरम बोलता है कि एनी टू टर्मिनल ए और बी क्या है, टू टर्मिनल है, एनी लीनियर टू टर्मिनल नेटवर्क कैन बी रिड्यूस्ड टू द सिंप्लीफाइड टू टर्मिनल सर्किट।
उसको अपन टू टर्मिनल सर्किट में रिप्लेस कर सकते हैं अनटायल नेटवर्क को, विच कंसिस्ट ओनली ए सिंगल वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विथ ए सिंगल रजिस्टर, इन सीरीज विथ सिंगल रजिस्टर। मतलब आपको क्या करना है, वही टर्मिनल ए है, वही टर्मिनल आपका बी है, और यहाँ पे आपका लोड रेजिस्टेंस या जो भी लोड है वो कनेक्ट हो गया आपका आरएल, लोड आपका कनेक्ट हो गया आरएल। तो यहाँ पे मैंने लोड शो किया है, आप लोड रेजिस्टेंस शो कर दो ज्यादा इजी रहेगा। ए बी पे मैंने लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रखा है, ये लीजिए मैंने यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस आरएल कनेक्ट कर रखा है, लोड रेजिस्टेंस आरएल। तो ये क्या बोलना चाहता है कि पूरा इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, जितना भी एक लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है, उसको हमने रिप्लेस कर दिया विद ए सिंगल वोल्टेज सोर्स एंड सिंगल रजिस्टर इन सीरीज। जो वोल्टेज सोर्स पर कन्वर्ट करते हैं उसको लिखते हैं VTH, और जो रजिस्टेंस उसको अपन लिखते हैं RTH। वॉट इज VTH एंड वॉट इज RTH, कि VTH और RTH क्या है? यहाँ पे अपने पास VTH क्या है, हेयर, जो बेटा आपके VTH है, VTH इज द ओपन सर्किट वोल्टेज विच इज कॉल्ड थेवेनिन्स वोल्टेज, विच इज कॉल्ड थेवेनिन्स वोल्टेज। और RTH क्या है, RTH आपके पास ओपन सर्किट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ओपन सर्किट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। RTH क्या है, वो ओपन सर्किट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, विच इज आल्सो कॉल्ड थेवेनिन्स रेजिस्टेंस। और थेवेनिन्स थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? सुपरपोजिशन थ्योरम अपने एंड अलग है, उसका किसी भी थ्योरम से कोई लिंक नहीं है, बट थेवेनिन्स थ्योरम अपने आप इसलिए इम्पोर्टेंट रहती है क्योंकि अगर थेवेनिन्स आपको समझ में नहीं आ पाई तो डेफिनेटली आप इसके नेक्स्ट वाली नोट्स नहीं कर पाओगे, और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम तो बिल्कुल भी अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। मीन्स अगर आपका थेवेनिन्स स्ट्रोंग है तो डेफिनेटली आपका नोट्स थ्योरम बहुत ईजी होने वाला है, और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम जो है वो है पूरी नोटस थ्योरम, सॉरी थेवेनिन्स थ्योरम ही है, सिर्फ आपको एक स्टेप बढ़ानी है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम बन जाती है। तो ये हो गया VTH और RTH। VTH क्या है, ओपन सर्किट वोल्टेज, और RTH क्या है, ओपन सर्किट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब बात आती है ये ओपन सर्किट बोल रहा है तो ओपन सर्किट क्या है, ओपन सर्किट तब अक्कर होगा जब हम लोड रेजिस्टेंस को रिमूव कर देंगे। ओपन सर्किट आपका उस केस में अक्कर होगा जब हम लोड रेजिस्टेंस को रिमूव कर देते हैं। तो इसको अगर अपन बात करें किस तरह से कैलकुलेट किया जाती है कोई भी पैरामीटर की वैल्यू बाय यूजिंग द थेवेनिन्स थ्योरम, तो आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करनी पड़ेगी। व्हाट आर द स्टेप्स विच आर यूज्ड इन द थेवेनिन्स थ्योरम, तो क्या स्टेप्स हैं जो आपको यूज में लेनी है थेवेनिन्स थ्योरम को समझने के लिए। देखो मैं आपको कुछ स्टेप जो है वो अपने सिंपल वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है बुक्स में अलग तरीके से लिखी हुई है, मैं अपना अलग प्रोसीजर से बता रहा हूँ स्टेप्स। क्या करना है आपको, सबसे पहले रिमूव करना है लोड रेजिस्टेंस को, रिमूव द लोड रेजिस्टेंस, रिमूव द लोड रेजिस्टेंस आरएल। अब जरूरी नहीं है वो फिक्स हो, जो भी आरएल क्या है, जिस भी एलिमेंट से आपको पैरामीटर पूछा है, वोल्टेज पूछा है, करंट पूछा है, वो हमारा लोड रेजिस्टेंस है, उसको रिमूव करेंगे। रिमूव करते क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा ओपन सर्किट। क्या क्रिएट हो जाएगा, एक ओपन सर्किट आपका क्रिएट हो जाता है। अब जैसे आपके पास ओपन सर्किट क्रिएट हो गया तो उस ओपन टर्मिनल से हमें वोल्टेज कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करना है वोल्टेज, कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट ओपन सर्किट वोल्टेज जो हमारा क्या है VTH, थेवेनिन्स वोल्टेज। कैलकुलेट करेंगे अपन ओपन सर्किट वोल्टेज जो हमारा क्या है VTH, थेवेनिन्स वोल्टेज, बाय एनी मेथड, किसी भी
मेथड से आप कैलकुलेट कर सकते हैं एंड चलो इसको स्टेप थर्ड कर देता हूं एंड को हटा के कैलकुलेट क्या करना है आपको ओपन सर्किट वोल्टेज। थर्ड क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे ओपन सर्किट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ओपन सर्किट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप कैलकुलेट करेंगे। ओपन सर्किट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू क्या होती है RTH। फिर आप क्या कैलकुलेट करेंगे ओपन सर्किट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विच वैल्यू इज RTH। अब आपसे RTH कैलकुलेट हो गया VTH कैलकुलेट हो गया तो पूरे नेटवर्क से आपने VTH RTH कैलकुलेट करके आप क्या लिखेंगे ड्रो थेवेनिन इक्विवेलेंट नेटवर्क। ये स्टेप्स जो है मैं वो बता रहा हूँ जिससे मैं फ्लो फॉलो करूंगा इन्हीं स्टेप्स को मैं फॉलो करूंगा। ड्रॉ करेंगे थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। अब थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट कैसे ड्रॉ करोगे आपका जो भी नेटवर्क है वो नेटवर्क रिप्लेस हो के आ गया थेवेनिन सर्किट में। किस तरह से आपका एक तो RTH आ जाएगा थेवेनिन रेजिस्टेंस किसके सीरीज में थेवेनिन वोल्टेज के सीरीज में प्लस माइनस VTH किसके अक्रॉस एक टू टर्मिनल सर्किट ऑपरेट होगा जो कनेक्ट किससे होगा एक लोड से RL से। अब आपसे जो पूछा है आपको कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपसे मान लीजिए करंट की वैल्यू पूछी है कि लोड रेजिस्टेंस से कितना करंट फ्लो करेगा तो लोड रेजिस्टेंस से कितना करंट फ्लो करेगा सर आई आई की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे आप आई इक्वल्स टू वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कितना है RTH प्लस RL। अगर ये बोलता है नहीं सर आपको तो RL लोड रेजिस्टेंस से वोल्टेज की वैल्यू बतानी है तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आप बाय यूजिंग द वोल्टेज डिवीजन रूल भी लगा सकते हो कि जिसके अक्रॉस वोल्टेज फाइंड करना है वो रजिस्टर मीन्स RL अपॉन टोटल रजिस्टेंस RL प्लस RTH इंटू टोटल वोल्टेज या फिर आई को कैलकुलेट करके RL से मल्टीप्लाई कर दो तो भी आपके पास वोल्टेज की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी बिल्कुल सिंपल वे में। तो ये है आपकी थेवेनिन थ्योरम बड़ी सिंपल है इसको अभी और अच्छी तरह से अंडरस्टूड हो जाएगा जब अपन इसके न्यूमेरिकल करके देखेंगे। जब मैं इसके न्यूमेरिकल्स करके देखूंगा तो ये थेवेनिन थ्योरम और भी इजीली आपको समझ में आ जाएगी। हाँ जी आप बताओ यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या वन बाय वन प्लीज प्लीज वन बाय वन हैंड रेज करके बोल दो कोई दिक्कत नहीं। एनीवन हैज डाउट तो प्लीज हैंड रेज एंड देन आस्क योर क्वेश्चन। नो वन है डाउट किसी को कोई डाउट नहीं है आगे बढ़े। इसको मैं एक बार रिपीट करता हूँ किसी को कोई डाउट नहीं है मीन समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। तो भी मैं एक बार इसको रिपीट करता हूँ क्योंकि बेसिक अगर क्लियर हो गया तो न्यूमेरिकल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो देखो क्या बोल रहा है थेवेनिन थ्योरम कि एनी लीनियर टू टर्मिनल नेटवर्क कैन बी रिड्यूस टू ए सिंप्लीफाइड टू टर्मिनल सर्किट। एक आपका बहुत लार्ज नेटवर्क है उसको रिप्लेस कर दूंगा मैं एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में टू टर्मिनल नेटवर्क में। मतलब ये जो इलेक्ट्रिकल सर्किट लिखा है मैंने यहाँ पे ये जो मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सर्किट लिखा है ये सिंपल एक बहुत लार्ज नंबर ऑफ नेटवर्क है इसको किसमें रिप्लेस कर दिया सिंगल वोल्टेज और सिंगल रजिस्टर में। क्लियर है जो आपस में सीरीज में कनेक्ट होगी। अब ये जो वोल्टेज है ये क्या है ओपन सर्किट वोल्टेज और जो RTH है ये क्या है ओपन सर्किट इक्विवेलेंट रजिस्टेंस जो कनेक्ट होगा सीरीज में किसके लोड के और कैसे करना है वो स्टेप्स मैंने आपको साथ शेयर करी है। अब कैसे करते हैं वो देखो अपन न्यूमेरिकल लेंगे यहाँ तक क्लियर है तो इसके तो कोई डाउट है तो पूछो। हाँ बेटा बोलो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट इसका फिर अपन आगे बढ़ते हैं। डाउट है क्या किसी को ओके तो अपन अगर कोई डाउट नहीं है तो अपन आगे मूव करते हैं अपने सेक्ट इस पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल लेके देखते हैं आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा थेवेनिन थ्योरम बिल्कुल एक सिंपल शॉर्ट न्यूमेरिकल
जिससे आपका बेसिक क्लियर हो जाए, फिर अपन इसकी न्यूमेरिकल्स वो अटेम्प्ट करेंगे जो जिस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए हैं आ जाते हैं। बड़ा सिंपल है, कोई आपकी इफ एंड बट नहीं है, बिल्कुल सिंपल वे में करेंगे। तो देखो एक सर्किट डायग्राम बना रहा हूँ मैं, बिल्कुल सिंपल। ट्वेल्व वोल्ट की बैटरी है, 3 ओम एंड 6 ओम है, एंड अगेन 2 ओम है। यहाँ पे आपका आरएल है, क्या बोल रहा है न्यूमेरिकल में? न्यूमेरिकल बोल रहा है इन द गिवन सर्किट फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट इन आरएल यूजिंग थेवेनिन थ्योरम। इन द गिवन सर्किट फाइंड द करंट थ्रू, फाइंड द करंट थ्रू आर एल जिसकी वैल्यू दे रखी है 4 ओम बाय यूजिंग थेवेनिन्स थ्योरम, बाय यूजिंग द थेवेनिन्स थ्योरम। थेवेनिन्स थ्योरम की हेल्प से आपको करंट की वैल्यूज को कैलकुलेट करना है आर एल से कि कितना करंट फ्लो करेगा, बाय यूजिंग थेवेनिन्स थ्योरम आपको कैलकुलेट करना है करंट की वैल्यू को। हाँ जी, तो कैसे करेंगे? आपको मैंने बोला है कि थेवेनिन्स थ्योरम से कभी भी आप करते हैं तो कैसे करेंगे? आपको क्या बोलता है स्टेटमेंट? एनी टू टर्मिनल नेटवर्क इज रिप्लेस बाय एनी टू टर्मिनल, प्लीज म्यूट। क्या बोलता है थेवेनिन्स थ्योरम कि एनी टू टर्मिनल नेटवर्क, एनी टू टर्मिनल नेटवर्क, ये टू टर्मिनल नेटवर्क है जिससे लोड से कनेक्ट है, और ये पूरा क्या बन गया आपका? एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, जो अपन ने फिगर बना के देखा था पहले, ये पूरा इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है। एनी टू टर्मिनल इलेक्ट्रिकल नेटवर्क कैन बी रिप्लेस बाय ए सिंगल वोल्टेज सिंगल रजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज। मतलब आपका ये जो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है जो बॉक्स में है, इसको मुझे रिप्लेस करना है इन द सिंगल वोल्टेज, सिंगल वोल्टेज सोर्स एंड सिंगल रजिस्टर में जो आपस में सीरीज कनेक्टेड हो, जिसको अपन क्या बोलते हैं? VTH एंड RTH। VTH क्या है? ओपन सर्किट वोल्टेज, और RTH क्या है? ओपन सर्किट करंट। तो स्टेप बाय स्टेप अगर मैं आपको सोल्व कराता हूँ, तो स्टेप बाय स्टेप में अगर अपन बात करें, तो मैंने आपको स्टेप वन बताई थी। व्हाट इज योर स्टेप वन? स्टेप वन था रिमूव द लोड रेजिस्टेंस Remove the load resistance and make the open circuit voltage. तो मैं एक काम करता हूँ, remove the load resistance RL और second इसमें load कर रहा हूँ। Load resistance को remove किया तो circuit कैसे बन जाएगा आपका? Circuit बन जाएगा step one में plus minus 12 volt की battery. This is my 3 ohm. सिक्स ओम, टू ओम, और ये हो गया आपका ओपन टर्मिनल ए बी। ये हो गया आपका ए टर्मिनल, मान लीजिए ये आपका बी टर्मिनल है, तो ये ए बी आपका हो गया ओपन सर्किट। मैंने लोड को रिमूव कर दिया, ओपन सर्किट हो गया। तो रिमूव द लोड रेजिस्टेंस, कैलकुलेट VTH, और मुझे VTH कैलकुलेट करना है, ओपन सर्किट वोल्टेज कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? VTH। स्टेप वन में कैलकुलेट करेंगे VTH। VTH क्या है? VTH है ये वोल्टेज लेवल, VTH ओपन सर्किट वोल्टेज। VTH क्या है? ओपन सर्किट वोल्टेज हमारा VTH है। अब देखो इसको कैसे कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि आपको बताया था कि करंट जो है वो हमेशा आपके क्लोज पाथ में मूव करता है। करंट इज ऑलवेज फ्लो इन अ क्लोज पाथ। करंट
इज ऑलवेज फ्लो इन ए क्लोज्ड पाथ, मीन्स यहाँ पर ओपन सर्किट होने के कारण आपके पास कोई भी अमाउंट ऑफ करंट 2 एम्पियर से फ्लो नहीं करेगा, कोई भी करंट यहाँ से फ्लो नहीं करेगा क्योंकि ओपन सर्किट है। और यदि कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा तो मतलब 2 ओम रजिस्टर से कोई भी आपका वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। अगर कुछ भी वोल्टेज ड्रॉप यहाँ नहीं है, मतलब जो VTH है वो किसके इक्वल होगा, जो 6 ओम के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा वही हमारा VTH होगा। जो हमारा 6 ओम के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा वही हमारा VTH की वैल्यू होगी। क्लियर है? जो हमारे पास 6 ओम के अक्रॉस होगा वही हमारा VTH होगा। तो यहां तक क्लियर है क्या? क्या बोल रहा हूं कि आपका VTH क्या है, ओपन सर्किट, ओपन होने के कारण आपका कुछ भी अमाउंट 2 ओम रजिस्टर से फ्लो नहीं करेगा। उस केस में आपका जो भी VTH की वैल्यू आएगी, ओपन सर्किट वोल्टेज आएगा, वो किस टर्मिनल से होगा, 6 ओम के अक्रॉस आपका वोल्टेज आ जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करने के 2 मेथड है। सब यहाँ पे कोई करंट फ्लो ही नहीं कर रहा, मतलब ये भी क्या हो गया, ओपन। थोड़ा समझने की कोशिश करना कि यदि यहाँ पे कुछ भी करंट फ्लो नहीं कर रहा मतलब ये भी क्या हो गया, ओपन हो गया। अगर ये भी ओपन हो गया तो मतलब ये क्या है, सीरीज में है ना, ये क्या है, सीरीज में है। 3 ओम एंड 6 ओम आर इन द सीरीज, कुछ भी करंट फ्लो नहीं कर रहा मतलब वाली ब्रांच क्या हो गई, रिमूव। अगर वो ब्रांच रिमूव हो गई मतलब 3 ओम और 6 ओम कैसे शो कर रहे हैं आपस में, सीरीज में शो कर रहे हैं। तो आप या तो डायरेक्ट सीरीज कॉम्बिनेशन से करंट को निकाल कर 6 से मल्टीप्लाई कर दो, ओपन सर्किट वोल्टेज कैलकुलेट हो जाएगा। चाहे आप नोडल लगाओ, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या लगाना है। तो बताओ क्या करूं मैं, नोडल लगा के करें कैसे करें? नोडल से कर दो। चलो नोडल अच्छा लगता है, मतलब मजा आने लग गया ना, लेकिन मैं दोनों तरीके से कराऊंगा क्योंकि आपको मेरे को सिखाना है, फिर आपकी इच्छा है वैसे करो एग्जाम में। तो देखो अपन यहाँ पे करते हैं, मान लो नोडल लगा दिया, तो नोडल अप्लाई करेंगे तो नोडल क्या शो करेगा कि हाउ मेनी नंबर ऑफ नोड्स आर देयर बाय द नोडल एनालिसिस। आपकी इच्छा, आप किससे भी कर सकते हो, मैं लगाता हूँ बाय नोडल। वैसे नोडल से अच्छा सिंपल मेथड रहता है, लेकिन फिर बता दो बाय नोडल। आपके दिमाग में नोडल है, जो माइंड में है उसी से करके देखेंगे। ये आ गया नोड ए, ये आपका नोड ए है, ये आपका रेफरेंस हो गया। बात करते हैं जिस नोड पे अपन बात करते हैं उसकी वैल्यू क्या लेते हैं अपन हाईएस्ट। तो करंट यहाँ से लीव करेगा, एक करंट यहाँ से लीव करेगा I1 I2, और इस डायरेक्शन में कोई करंट फ्लो ही नहीं करेगा क्योंकि ओपन सर्किट है। यहाँ पे कोई भी अमाउंट करंट फ्लो नहीं करेगा, I3 नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि ड्यू टू ओपन सर्किट तो करंट फ्लो करेगा ही नहीं। तो एट नोड ए की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे I1 प्लस I2 इक्वल क्या हो जाएगा, 0। आई वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, VA-12/3। I2 कितना हो जाएगा, I2 हो जाएगा VA/6 टू 0। VA कैलकुलेट करेंगे, LCM कितना आएगा 2, LCM कितना आएगा 6, तो 3 2 6 2 VA-24 प्लस का VA = 0। वहां चला जाएगा 3 VA = 24, VA की वैल्यू हो जाएगी 8। VA की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, 8। यहाँ पे जब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे 6 तो आ जाएगी 0 हो जाएगा, तो आपके पास 3 VA की वैल्यू आ जाएगी 24, VA की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 वोल्ट। अब देखो ये VA क्या है, 8 वोल्ट, ये VA क्या है, नोड वोल्टेज। इस 2 ओम के अक्रॉस कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है क्या, 2 ओम से कोई वोल्टेज ड्रॉप है, नहीं है। मीन्स जो नोड ए है वही आपका ओपन सर्किट वोल्टेज है, जो आपका नोड ए है वही आपका ओपन सर्किट वोल्टेज है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं डायरेक्ट, सो द ओपन सर्किट वोल्टेज कितना हो गया, सो हेंस आपका VTH जो कि आपका ओपन सर्किट वोल्टेज है वो किसके इक्वल है, VA के, और VA कितना है, 8 वोल्ट। अब देखो इसके अलग करने का एक और मेथड जो मैं आपको बताना चाहता था, और भी सिंपल क्या है कि सर जब 2 ओम से करंट फ्लो ही नहीं कर रहा तो ये ब्रांच है नहीं, 2 ओम से जब करंट फ्लो ही नहीं कर रहा, ओपन सर्किट है, मतलब ये वाली ब्रांच तो है ही नहीं,
अगर ये ब्रांच कनेक्ट नहीं है, ओपन है, तो आपके पास देखो ये सीरीज में दिख रहा है, यहाँ पे ये सीरीज में दिख रहा है 3 ओम और 6 ओम, तो मैं वोल्टेज डिविजन रूल अगर अप्लाई करता, समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आपकी इस पर डिपेंड करता है, आप कैसे भी अप्लाई कर सकते हो और सोल्व कर सकते हो, जो भी आपके माइंड में क्लिक करता है एक टाइम। मैं मान लो इसी को कैलकुलेट करता हूँ ओवर करके, और विदाउट नोडल, नोडल अप्लाई ना करके मैं अलग मेथड से करता, तो मैं करता क्या कि मुझे यहाँ दिख रहा है कि यह 12 ओम का रजिस्टर यहाँ लग रहा है, 3 ओम यहाँ पर है, 6 ओम यहाँ पर है, और ये ऐसे कनेक्ट होगा, और आगे तो कुछ करंट फ्लो करेगा ही नहीं, ओपन है, मतलब ये कितना कैसे कनेक्ट होगा इस सीरीज में। तो अगर सीरीज में आपके पास कनेक्ट है 2 रजिस्टर हैं, तो मैं डायरेक्ट वोल्टेज कैलकुलेट करना है, क्योंकि 6 ओम से जो वोल्टेज आएगा वही तो ओपन सर्किट वोल्टेज है, जो 6 ओम से आएगा वही तो ओपन सर्किट वोल्टेज है, तो आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते थे बाय वोल्टेज डिविजन रूल। आप ये भी अप्लाई कर सकते हो बाय वोल्टेज डिविजन रूल से। वोल्टेज डिविजन क्या बोलता है कि आपको जिस रजिस्टेंस के अक्रॉस कैलकुलेट करना है, वो रजिस्टर कितना है 6 अपॉन टोटल रजिस्टेंस कितना है 3 + 6, टोटल वोल्टेज कितना है 12, कितना हो जाएगा ये V2 जो है, ये तो आपका ओपन सर्किट वोल्टेज है, और जो ओपन सर्किट वोल्टेज है वही तो आपका VTH है, तो 6/9 × 12, तो आपका VTH कितना जाएगा बेटा यहाँ से 6/9 × 12, 3 × 3 = 3, 4 = क्यों भाई, इसके अक्रॉस फाइंड करना है वो अपॉन टोटल मल्टीप्लाई टोटल 3 × 2 = 3, 3 × 3 = 4, 4 × 8 volt, ये आ गया आपका देखो डायरेक्ट VTH। तो आपको जो लगाना है वैसे लगाओ, वोल्टेज डिविजन रूल भी लगा सकते थे, नोडल भी लगा सकते हो, जो आपको इजी लगे वैसे कर सकते हैं। ओके, मैंने दोनों बता दिए, चाहे आप लगाओ वोल्टेज डिविजन रूल, चाहे आप लगाओ नोडल, आपको ओपन सर्किट वोल्टेज कैलकुलेट हो गया स्टेप वन में। इन द स्टेप वन आपने ओपन सर्किट वोल्टेज कैलकुलेट कर लिया है। अब ये क्या बोल रहा है, इन द गिवन सर्किट आपको RL से करंट की वैल्यू फाइंड करनी है बाय यूजिंग द थेवेनिन थ्योरम। थेवेनिन थ्योरम बोलता है कि आपको एंटायर नेटवर्क को रिप्लेस करना है इन द सिंगल वोल्टेज सोर्स एंड इन द सिंगल रजिस्टर एंड ऑल आर कनेक्टेड द सीरीज, दैट इज मुझे यहाँ पर वोल्टेज सोर्स तो मैंने कैलकुलेट कर लिया है, अब मुझे करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कैलकुलेट। तो स्टेप टू में कहाँ जाऊंगा, कैलकुलेट द ओपन सर्किट रेजिस्टेंस या थेवेनिन रेजिस्टेंस। तो स्टेप टू, एक बार बताओ ये वोल्टेज डिविजन रूल रखूं, चलो दोनों रख लेते हैं, स्टेप टू पे मूव करते हैं अपन। अब स्टेप टू, कैलकुलेट RTH थेवेनिन रेजिस्टेंस। कैलकुलेट थेवेनिन रेजिस्टेंस, कैसे रिप्लेस करेंगे थेवेनिन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे, तो क्या करेंगे, जितने भी आपके पास इंडिपेंडेंट सोर्सेस हैं, ध्यान रखना मैंने वहां पे नहीं लिखा, जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्सेस हैं आर सेट टू जीरो, उन सबको आपको सेट टू जीरो करना है। मतलब आपका सर्किट डायग्राम देखो भैया, ये सर्किट डायग्राम दिख रहा है आपको, इस सर्किट डायग्राम में जो आपको गिवन है ऊपर देखो 12 ओम 3 6 2, मुझे कैलकुलेट करना है ओपन सर्किट वोल्टेज, तो ओपन सर्किट वोल्टेज सॉरी रेजिस्टेंस के लिए मुझे वोल्टेज सोर्स को करना पड़ेगा सेट टू जीरो। और आपका करंट सोर्स क्या होता है ओपन सर्किट, और वोल्टेज सोर्स क्या हो जाता है शॉर्ट सर्किट, तो आपका यहाँ पे सर्किट डायग्राम कैसे रिप्लेस हो जाएगा 3 6 2, आपका सर्किट डायग्राम यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा बेटा लाइक दिस, लाइक दिस, कि यहाँ पे तो 3 ओम रजिस्टर, यहाँ पे आपका 6 ओम रजिस्टर, यहाँ पे वोल्टेज सोर्स आपका बन जाएगा शॉर्ट सर्किट सेट टू जीरो,
यहाँ पे आपका है 2 ओम रजिस्टर और ओपन सर्किट, ये आपका ओपन सर्किट, और इस ओपन सर्किट टर्मिनल से मुझे कैलकुलेट करना है RTH की वैल्यू को। बड़ा सिंपल है, दिख रहा है आपको कि यहाँ पे 3 ओम और 6 ओम आपस में कैसे कनेक्टेड है सीरीज में। हेयर 3 ओम इज इन पैरेलल विद द 6 ओम रजिस्टर, 3 ओम और 6 ओम आपस में कैसे कनेक्टेड है पैरेलल। तो अपन सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ से R इक्विवेलेंट फर्स्ट की बात करें, तो R इक्विवेलेंट वन क्या हो जाएगा, R1 वन मल्टीप्लाई आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू मीन्स 2 ओम। अब इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 ओम के कैसे लग जाएगा सीरीज में, तो नेट इक्विवेलेंट वैल्यू कितनी हो जाएगी, नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपके पास कैलकुलेट होगा आर इक्विवेलेंट, जो किसके इक्वल है थेवेनिन रेजिस्टेंस की, कितना हो जाएगा 2 प्लस 2, कितनी हो जाएगी वैल्यू 4 ओम। अब आपके पास बेटा आर इक्विवेलेंट भी आ गया, वी इक्विवेलेंट भी आ गया, तो स्टेप 3 क्या बोलेगा, स्टेटमेंट क्या बोलता है, ए लार्ज नेटवर्क, ए लार्ज 2 टर्मिनल लीनियर नेटवर्क इज रिप्लेस बाय ए सिंगल वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद द रजिस्टर। स्टेप 3, स्टेप 3 थेवेनिन नेटवर्क, तो थेवेनिन नेटवर्क क्या हो जाएगा कि ए लार्ज इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज रिप्लेस बाय ए लार्ज इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज रिप्लेस बाय सिंगल वोल्टेज सोर्स प्लस माइनस VTH इन सीरीज विद ए सिंगल रजिस्टर RTH। पूरा जो नेटवर्क था आपके पास वो आपका रिप्लेस हो गया सिंगल वोल्टेज और सिंगल रेजिस्टेंस में, और ये आपका लग रहा है RL कितना है 4 ओम का। RTH कितना कैलकुलेट करा अपन ने 4 ओम, VTH कितना कैलकुलेट करा अपन ने 8 वोल्ट। पूछा क्या है करंट की वैल्यू, तो आपके पास यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या कैलकुलेट होगी, नाउ करंट IL, करंट आपके पास IL की वैल्यू कैलकुलेट होगी VTH अपॉन RTH प्लस RL, RTH प्लस RL, तो आपके पास लोड करंट हो जाएगा बेटा 8 अपॉन 4 प्लस 4 दैट इज 1 एम्पियर आंसर, 1 एम्पियर आंसर। क्लियर है क्या, अरे स्टेप 2 वापस बताओ एक बार, स्टेप 2 नहीं आई समझ में मुझे, बता रहा हूँ बेटा स्टेप 2 नहीं आई आपको, रेजिस्टेंस देख सर्किट डायग्राम दिख रहा है क्या, देख बेटा सामने, जी सर, इस सर्किट डायग्राम का मुझे से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। अब ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखो कितना छोटा डायग्राम है भैया, 3 ओम और 6 ओम आपस में कैसे कनेक्ट है पैरेलल में, इनका इक्विवेलेंट निकाल लिया, और वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके पैरेलल सीरीज में आएगा, 2 ओम के सीरीज में नहीं आएगा बेटा, भैया इन दोनों को पहले मैंने देखा, इसमें करंट तो फ्लो ही नहीं हो रहा ना, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर रहा हूँ ना, करंट थोड़ी निकाल रहा हूँ। कभी भी आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो जितने भी एक्टिव एलिमेंट्स हैं उन सबको कर देंगे आप सेट टू जीरो, मींस वोल्टेज सोर्स को कर देंगे शॉर्ट सर्किट, करंट सोर्स को कर देंगे ओपन सर्किट, और तब आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। क्लियर है, ये तो बहुत छोटा न्यूमेरिकल था बेटा। सौरभ शर्मा बोलो बेटा, सर ये VTH में VTH क्या होता है सर, नोड पे जो वोल्टेज होगा वो ओपन सर्किट टर्मिनल पे जो वोल्टेज होगा वो, अब बात आती है वोल्टेज, अब ओपन सर्किट जो बता रहा हूँ बेटा, हाँ। यहाँ पे जो ओपन सर्किट वोल्टेज है इसमें देखो 2 ओम कनेक्ट हो रहा है, अब 2 ओम ओपन सर्किट के बाद में है तो 2 ओम से कोई करंट फ्लो करेगा नहीं सर, नहीं करेगा, तो मतलब वहां पे कोई भी आपका वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, इसलिए आपका जो वोल्टेज ड्रॉप आएगा वो कौन सा आएगा, जो 6 ओम के पे ऑपरेट होगा,
और देखो 6 ओम का जो टर्मिनल ए है वो रेफरेंस से डायरेक्ट कनेक्ट हो रहा है, यस सर, इसलिए जो 6 ओम के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है तो रेफरेंस नेगेटिव, वीए पॉजिटिव, तो 6 ओम से कितना वोल्टेज आ रहा है, 6 ओम जो जितना 6 ओम से आ रहा है उतना ही तो वीए है, इसलिए मैंने वीए को लिख दिया ओपन सर्किट वोल्टेज थेवेनिन वोल्टेज के इक्वल। अभी करेंगे अपन प्रैक्टिस हो तो और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट डाउट स्क्रीनशॉट ले लेना भैया, लेस देन 1 मिनट है, और किससे भी कर सकते हो, वोल्टेज डिवीजन से भी कर सकते हो, नोडल से भी कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। स्क्रीनशॉट ले लिया? ले लिया सर, ले लिया। यस सर।